हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम एंड हियर एम बैक विद अनदर वीडियो दिस इज द जी एस टी एम सी क्यू सीरीज विच वी हैव स्टार्टेड एंड दिस इज द पार्ट फिफ्थ ऑफ द जी एस टी एम सी क्यू सीरीज एंड दिस लेक्चर विल भी यूजफुल फॉर दी नेटसेट स्टूडेंट्स दी वाई बी कॉम स्टूडेंट टी वाई बैफ बी एम एस एम कॉम कोई भी स्ट्रीम अगर आपका रहेगा तो भी ये लेक्चर आपको काफी हेल्प होने वाले है बिकॉज इसमें हम काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया एम सी क्यूज को डिस्कस कर रहे हैं तो ध्यान से इस सेशंस को देखें ताकि बहुत सारे आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे अगर आप नेट सेट की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो एवरी डे रात को आठ बजे अन एकेडमी के लाइव प्लेटफॉर्म पे लाइव सेशंस होते हैं जो बिल्कुल भी फ्री है सिर्फ आपको अनएकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और मेरा कोड यूज़ करना है राहुल मोहिले ताकि आपको ये जो सेशन है वो सारे के सारे फ्री में मिले अभी लेटेस्ट दो क्लासेस लॉन्च हो चुकी है कल की दैट इज सैटरडे फर्स्ट ऑफ में सुबह ग्यारह बजे इनकम टैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज को हम डिस्कस करेंगे उसके साथ जी एस टी के भी एम सी क्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं एज वेल एज़ रात को आठ बजे कॉमर्स और मैनेजमेंट के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं तो इफ यू आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर दी नेट सेट एक्सामिनेशन यू कैन डाउनलोड दिन अकेडमी लर्निंग ऐप और मेरा कोड आपको यूज करना है लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स फेस ना हो रिलेटेड विद योर ऐप ठीक है दिस इज द डिटेल्स ऑफ माई प्रोफाइल चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आज का दिस इज फ्रॉम द पार्ट रिलेटेड विद द प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिगो एयर ज इट्स कॉरपोरेट ऑफिस एट नोएडा फूड इज सप्लाइड ऑन द बोर्ड द फ्लाइट एट बैंगलोर बाय कैटर इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी नोएडा होगा बैंगलोर होगा मुंबई होगा या यूपी होगा ध्यान से देखो इंडिगो एयर जो है एट नोएडा फिर फूड कहाँ पे सप्लाई किया फूड सप्लाई किया है फूड फ़्लाइट पे बोर्ड किया है बैंगलोर से तो फूड जो है वो बैंगलोर से बोर्ड किया है तो एज़ पर सेक्शन टेन वन सबसेक्शन ई कहता है कि जहाँ से फ्लाइट में बोर्डिंग किया गया होगा उसी को हम हमारा फ्लाइट एट बैंगलोर तो बैंगलोर विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पे बनेगा हमारा बैंगलोर ठीक है पॉइंट इज वेरी सिंपल जस्ट यू द बेसिक्स सारे सेक्शन टेन के अंदर दिए हुए हैं

क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑल्सो फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई टाटा मोटर्स लिमिटेड मुंबई एक्सपोर्टेड टाटा सफारी टू साउथ अमेरिका देन द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी काफी सिंपल है तो टाटा मोटर्स मुंबई ने काफी सारे एस को सप्लाई किया है कहाँ पे सप्लाई किया साउथ अमेरिका में तो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा मुंबई साउथ अमेरिका इंडिया यूएसए तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी साउथ अमेरिका इन द केस नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वन इलेक्टेड पर्सन फाइनस द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन याद रखना है आपको जीएसटी के बारे में अगर हम देखें तो जीएसटी में सबसे टॉप बॉडी में या टॉप पर्सन जो रहेगा वो सारे डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास रहेंगे वो कौन रहेगा शी विल बी यूनियन फिनांस मिनिस्टर तो यूनियन फिनेंस मिनिस्टर जो रहेंगे और शी विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द जी एस टी काउंसिल जैसे अभी की अगर बात करें तो निर्मला सीतारमन जी जो है शी इज द फिनेंस मिनिस्टर और शी विल बी देड फॉर देयरपर्सन ऑफ द जी एस टी काउंसिल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जीएसटी इज अ टैक्स लेवड ऑन गुड्स एंड सर्विसेस एट ईच पॉइंट ऑफ तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जीएसटी कैसा टैक्स है जीएसटी हमेशा सप्लाई के ऊपर लगता है जीएसटी हमेशा किस पे लगता है सप्लाई के ऊपर जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स सप्लाई होते हैं तो जीएसटी लगता है एक स्टेट से अगर गुड्स उसी स्टेट में भी सप्लाई होते हैं तो जीएसटी लगता है तो जीएसटी इज अ टैक्स लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एट ईच पॉइंट ऑफ एंड राइट आंसर क्या बनेगा सप्लाई बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन ऑफ द जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जिसको हम शॉर्ट में जी एस टी एन कहते हैं इनक्लूड्स फेसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन फॉरवर्डिंग द रिटर्न टू सेंट्रल एंड स्टेट ऑथोरिटीज कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आई जी एस टी एंड ऑल ऑफ द अब तो याद रखना जी एस टी एन जो है इट्स अ रॉबर्स्ट आई टी नेटवर्क बेसिकली तो ये क्यों एस्टैब्लिश किया गया है ये रजिस्ट्रेशन के लिए भी हेल्प करता है जो रिटर्न्स होते हैं वो सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड करने का भी काम करता है कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ दी आईजीएसटी का भी काम करता है इसका मतलब अगर हम देखें तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो है जीएसटीएन से रिलेटेड वो जीएसटीएन करता है तो ऑल ऑफ दबाउ इसका राइट right आंसर बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आई जी एस टी इज लेविड ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई एक्सेप्ट सप्लाई आई जी एस टी दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लगता है जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को सप्लाई करते हैं जिसको हम इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं तो पेट्रोलियम क्रूड मोटर स्पिरिट नैचुरल गैस या एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन तो सारे के सारे के ऊपर आईजीएसटी लगता है सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर नहीं लगता है ऐसा बोल रहे इन लोग एंड दैट इज अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो इसके ऊपर आईजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एट द रेट डैश इज पेएबल ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी अगर आप जीएसटी का पेमेंट टाइमली बेसिस पे नहीं करोगे डिले हो जाएगा आपको पेमेंट करने के लिए तो आपके ऊपर जो इंटरेस्ट की पेनल्टी लगेगी या इंटरेस्ट जो लगेगा वो कितने परसेंट लगेगा ट्वेल्व परसेंट टेन परसेंट फाइव परसेंट या ट्वेंटी फोर परसेंट ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट एम सी क्यू है ऐसे एम सी पेपर में बन सकते हैं लेकिन आपको अगर इसका रूल नहीं पता होगा तो फिर आप पेपर में गलतियाँ करोगे तो इंटरेस्ट एट द रेट डैश परसेंट इज पेबल ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स द ऑफ टी दैट इजी फोर परसेंट तो इंटरेस्ट कितना लगेगा अगर आप पेमेंट टाइमली बेसिस पे नहीं करोगे जीएसटी का तो ट्वेंटी फोर परसेंट का इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा फिर जीएसटीएन का जो नंबर होता है द फर्स्ट टू डिजिट ऑफ द जीएसटी आई एन रिप्रेजेंट देखो पहले वैट चलता था तो हम वैट सी एस टी एन नंबर लेते थे अभी जीएसटी चलता है तो जीएसटीएन का भी नंबर होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर तो फर्स्ट दो डिजिट जो होते हैं जीएसटी के वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटी कोड कंट्री कोड स्टेट कोड या चेकसम कैरेक्टर तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है जो पहले दो डिजिट होते हैं जीएसटीएन के वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको स्टेट का कोड रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज रिलेटेड विद ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने टैक्स इज टू बी डिडक्टेड वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड तो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू जो है वो कितना क्रॉस होगा तो आपको टैक्स काटना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड टी डी एस तो टैक्स इज टू बी डिडक्टेड वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड टू लैक्स वन लैक्स टू लैख फिफ्टी थाउजेंड थ्री लैक्स तो काफी इंपॉर्टेंट क्यू है कि अगर आपका वैल्यू जो है सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे अगर दो लाख पचास हजार को क्रॉस कर देगा तो आपको टैक्स काटना कंपलसरी बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इलेवेंथ नंबर द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी मेंटेन्ड इन फॉर्म तो फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं स्टैटिक पोर्शन है थोड़ा ध्यान से इसको याद रखना जीएसटीएन जीएसटी पी एम टी वन जी एस टी पी एम टी टू जी एस टी पी एम टी थ्री जी एस टी पी एम टी फोर तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है वो आ, कौन से फॉर्म के अंदर मेंटेन किया जाता है दैट इज रिलेटेड विद जी एस टी पी एम टी टू ओके तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो वी हैव डिस्कस मेनी ऑफ दी एमसीक्यूज बहुत सारे सेशंस हमने डिस्कस कर लिए टोटल पांच लेक्चर्स हमने जीएसटी के लिए है तो so, सारे के सारे वीडियोस ध्यान से देखना आपको काफी सारे एम सी क्यूज या कंसेप्ट इसमें से रिवाइज होंगे और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो सारे पीडीएफ्स आपको वहाँ पे फ्री में मिलेंगे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले लास्ट मिनट रिवीजन भी दारे से सेम थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर